वेलकम टू इशानी वीडियोस। नागिन सीजन 4 या फिर हम कहें नागिन भाग्य का जहरीला खेल की पूरी तरह से कंफर्म्ड यहां पर कास्ट हमें पता चल चुकी है, तो हम आपके सामने लेकर आ गए हैं नागिन सीजन 4 की कास्ट की सारी डिटेल, कौन कौन से स्टार्स उसमें नजर आएंगे और यहां पर कौन कौन मेन यहां पर सपोर्टिंग रोल में नजर आने वाले हैं, मतलब एक तरफ मेन लीड और एक तरफ मेन सपोर्टिंग लीड में नजर आने वाले हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला नाम आता है यहां पर सयांदनी घोष का, जो कि आप बहुत पहले देख चुके हैं इन्हें नागिन के रूप में, लेकिन वो फिर से वापस आ रही हैं और यहां पर बहुत ही बेहतरीन उनकी यहां पर अदाकारी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ सयांदनी घोष के बारे में हमें एक और बात पता चली है, यहां पर वो आपको देखने को मिलेंगी सेमी नेगेटिव रोल में। वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा सुप्रिया शुक्ला को, सुप्रिया शुक्ला यहां पर आपको नजर आ रही होंगी कुंडली भाग्य में, उससे पहले कुमकुम भाग्य में ही नजर आ चुकी हैं और यहां पर वो फिर से नजर आने वाली हैं। वहीं तीसरा नाम सामने आता है, वो भी एक मेल एक्टर का, वो है यहां पर अंकुर वर्मा। अब अंकुर वर्मा ने यहां पर साइन किया और यहां पर वो नजर आ रहे हैं, इसकी खबर आ चुकी है और कंफर्मेशन भी मिल चुकी है और ये सपोर्टिंग रोल में नजर आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और नाम सामने आया है, वो है विजेंद्र कुमारिया का। अब यहां पर विजेंद्र नजर आने वाले हैं, इससे पहले उड़ान में नजर आ चुके हैं और यहां पर सूरज के रूप में नजर आए थे और उनका रोल भी काफी ज्यादा यहां पर अच्छा होने वाला है, ये मेन लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ नाम सामने आया है शालीन बनोत का। अब यहां पर शालीन बनोत का नाम सामने तो आया, लेकिन यहां पर अब आपको देखने को मिलेगा कि सयांतनी घोष और शालीन बनोत यहां पर एक कपल के रूप में नजर आने वाले हैं और साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन ट्विस्ट भी लाने वाले हैं। और उसके बाद नाम सामने आता है लक्ष्य खुराना का। अब लक्ष्य खुराना भी आपको कई सारे यहां पर शोज के अंदर दिख चुके होंगे और वैसे यहां पर उनकी एंट्री हुई है वो भी सपोर्टिंग रोल के तौर पर, और यहां पर वो भी काफी ज्यादा यहां पर जलवे बिखेरने वाले हैं अपने। और उसके बाद यहां पर नाम सामने आता है अंकित बाटला का। अब अंकित बाटला का नाम सामने है तो आपने इनको कई सारे शोज में भी देखा होगा जहां पर ये सेमी नेगेटिव रोल में नजर आए थे और इनका यहां पर माना जा रहा है कि ये सेमी नेगेटिव रोल में अभी भी नजर आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ नाम सामने आ रहा है अब किसी और का नहीं, अनिता हसनंदानी का। अनिता हसनंदानी का एक स्पेशल अपीयरेंस रखी गई है और इसके बारे में हम स्टोरी के बारे में आपको थोड़ी सी हिंट देंगे जरूर, वो भी आने वाली वीडियोस के अंदर। वैसे आपको बता दें कितने ज्यादा एक्साइटेड है आप देखने के लिए यहां पर विश को कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद नाम सामने आता है निया शर्मा का। निया शर्मा का नाम सामने आया है तो निया शर्मा आपको पूरी तरह से कंफर्म मिली गई होंगी। इनका नाम यहां पर वृंदा रखा गया है और ये एक नॉन नागिन कैरेक्टर है, मतलब नागिन के रूप में शुरुआत में नजर नहीं आएंगी। उसके बाद नाम सामने आता है जैस्मिन भसीन का। अब जैस्मिन भसीन यहां पर अब नागिन के रूप में नजर आने वाली है, जो कोई नाम है उनका नयनतारा। अब यहां पर कितने ज्यादा एक्साइटेड है इन्हें देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना। और उसके बाद में एक यहां पर आपको देखने को मिलेगी एक और एंट्री, जो की है मंदीप कपूर की, मंदीप कुमार की। अब यहां पर मंदीप कुमार एक यहां पर फादर का रोल निभाते नजर आएंगे। अब कितने ज्यादा एक्साइटेड है ये सब देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना। और नागिन सीजन 4 की एक स्टोरी जो पूरी तरह से अब कंफर्म हो चुकी है, वो हम आपको जल्दी ही उसकी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें आपको नयनतारा और वृंदा का एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो कि आपको चौंका कर रख देगा। कितने ज्यादा एक्साइटेड है ये सब देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू।